5 जून वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के लिए 5 जून की तारीख राजनीतिक तपिश के तौर पर जानी जाएगी। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली के माध्यम से झारखंड का राजनीति पारा चढ़ा दिया है। वैसे तो झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 में होना है, उसके लिए करीबन 2 साल का वक्फा भी बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी फिजा बनने लगी है। जेपी नड्डा ने एक साथ जहां जनजाति समाज को साधने की कोशिश की, वहीं झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को भी जमकर लताड़ लगाई। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदन, जो बताएंगे कि क्या कुछ आज के भाषण का इम्प्लीकेशन है, क्या राजनीतिक मायने है, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे किस रूप में देख सकता है। क्योंकि जेपी नड्डा जब आए तो उस रैली का नाम दिया गया धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली, यानी कि जब भी झारखंड की बात होती है तो भगवान बिरसा मुंडा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। इस नाम से क्या जनजाति समाज को कनेक्ट करने की कोशिश है बीजेपी के द्वारा? देखिए, जैसे ही भगवान बिरसा के हम नाम लेते हैं तो वो एक आस्था और विश्वास के जैसा होता है, और इसीलिए जो जनजातीय समाज है वो पूजते हैं भगवान बिरसा को, तो इसलिए अब उनके नाम के आगे सब खत्म, मतलब जो भगवान, इसीलिए जो भी राजनीतिक दल है वो चाहते हैं कि मेरे बिरसा, मेरे भगवान। तो अब बीजेपी भी इस कतार में आगे है कि हमने बिरसा के गांव तक जो विकास पहुंचाया है उसका भी जिक्र करते हैं सभी, कि हम जो सत्ता में पार्टी है वो भगवान बिरसा के गांव को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हम जो है वहाँ तक सड़क पहुँचाए, बिजली पहुँचाए, ये किए वो किए, तमाम उपलब्धियाँ तो गिनाते ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक लंबी कतार जो है नेताओं की आज दिखी बीजेपी के मंच पर, और वो सब तमाम जो बीजेपी के नेता थे उनका स्वर एक था, जो सत्ताधारी दल हैं उन पर आरोप लगाना, एक सुर में आरोप लगाना, और तमाम जो आरोप थे उसके मध्य में जो है वो एक ही खनिज लीज मामला था, जमीन था और जो माइंस है वो था, तो इन तमाम चीज़ों को घेरने के लिए कोशिश हुआ। जेपी नड्डा ने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि बीजेपी के पास जो नेता हैं वो नीति लेकर आते हैं, सिद्धांत लेकर आते हैं, लोगों के लिए आते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए आते हैं, गरीबी रेखा को कम करने के, लेकिन दूसरे दल के जो नेता आते हैं वो क्या करने आते हैं, लूटने के लिए आते हैं। एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो बीजेपी के लोग हैं वो जनता की सेवा करते हैं, बाकी लोग जो हैं वो मेवा खाने के लिए आते हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जिस तरह वर्तमान में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, भ्रष्टाचार और करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उन्होंने आधिकारिकता नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूजा सिंघल के इशारे पर उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार के मामले में एक IAS अधिकारी पर कार्रवाई होती है तो हेमंत सरकार को हेमंत सोरेन के पेट में दर्द होता है, ये क्या बताने की कोशिश है? बिल्कुल पूरी तरह से वो बारी बारी से जितने नेताओं ने अपना वक्तव्य रखा था वहाँ पर सबका जिक्र किया, और आपने देखा होगा कि अर्जुन मुंडा जो है वो सिर्फ अपने सरकार के उपलब्धियों को, आगे की योजनाओं को गिनाया, जब आदिवासी समाज के लिए हमने क्या किया, क्योंकि वो आदिवासी जनजातीय मंत्रालय भी उनके जिम्मे है, तो ऐसे में वो तमाम अपने उपलब्धि, अपने आगे के रोड मैप को भी लोगों के सामने रखा। लेकिन बाबूलाल मरांडी उनके तेवर तल्ख थे, रघुवर दास उनके तेवर तल्ख थे, दीपक प्रकाश के तेवर तल्ख थे, तमाम लोगों ने जो घेरने की कोशिश है वो एक कहे कि आज एक नींव रखी गई है 2024 की। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जिस तरह झारखंड में रूपा तिर्की हत्याकांड हुआ और उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो बरहेट से जनप्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, पंकज मिश्रा का नाम आया, तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि रूपा तिर्की हत्याकांड में मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोग कहाँ थे। तो जेपी नड्डा के पास झारखंड के एक एक चीज़ की जानकारी है, और मुख्यमंत्री क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सरकार के माथे पर क्या कलंक लगा है, क्या दाग लगा है, तो ये क्या जेपी नड्डा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार है वो दागदार हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए पूरा होमवर्क करके यहाँ वो पहुँचे थे, जो उनका भाषण था वो पूरी तरह से नोटेड था कि आखिर किन किन बिंदुओं पर हमें जो है चर्चा करनी है, लोगों तक हमें क्या मैसेज पहुंचाना है। तो ऐसे में रूपा तिर्की का मामला उठा तो उसमें मुख्यमंत्री के नज़दीकी तक वो उन्होंने सवाल उठाया, साथ ही और भी कई जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जमीन, खनिज मंत्रालय उनके पास है, तमाम चीज़ को उन्होंने जनता के सामने रखने की कोशिश की, और अपने लक्ष्य को भी उन्होंने ये रखा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, अगर चुनाव होते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, ये भी बताया, अंतर बताया, डिफरेंसेस दिखाया कि अगर बीजेपी की सरकार जो पिछली थी तो वो क्या किया था,
अभी जो वर्तमान में सरकार है वो क्या की है और आगे आपको क्या करना है, यानी कि अगर चुनाव होते हैं तो किनको वोट देना है, किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना है, किस तरह के दल को चुनना है? हम लोग ने देखा है कि जब बिरसा मुंडा म्यूजियम का खुद जब प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन उसका उद्घाटन किया तो कहीं ना कहीं एक तरह से समझ में आया कि जो बिरसा मुंडा को झारखंड तक ही सीमित करके रखा जाता था, इस सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं उसकी ब्रांडिंग की और पूरे देश के स्तर पर बिरसा मुंडा को लोग जानने लगे हैं। जेपी नड्डा साहब ने कहा कि बिरसा मुंडा के नाम से एक यात्रा होने जा रही है जो न सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा बल्कि वो उड़ीसा, गुजरात और दूसरे राज्यों में तक जाएगा। ये क्या बताने की कोशिश है कि झारखंड की जो पहचान, बिरसा मुंडा की जो पहचान एक दायरे में थी, उसकी पहचान अब झारखंड से बाहर निकल गई है? बिल्कुल, ये देखिए ट्राइबल जो है वो सिर्फ झारखंड में नहीं है, बीजेपी ने इस चीज़ को समझा है और जहाँ भी देश के किसी भी हिस्से में है, आप देखिए वो चुन चुन कर उन राज्यों का नाम लिए हैं जहाँ की ट्राइबल की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनका जो है एक डिसाइडेड वोट होता है कि वो जिधर वोट करेंगे वहाँ जो है सरकार बनती है बिगड़ती है, तो उन जगहों पर वो पदयात्रा या यात्रा निकालने की जो है प्लानिंग कर रखा है। तो बीजेपी ये समझ चुकी है कि अब बिरसा को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो उनकी है ही, उनके बलिदान को तो सब जानता है, लेकिन वो सीमित दायरे में है और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है कि अब कांग्रेस उनके बलिदान को याद करके उनको सम्मान देने की योजना बना रहा है, ये आखिर 70 वर्ष क्यों लगे उनको? तो ये बातें अब बीजेपी समझ चुकी है कि आदिवासी समाज को अगर हमें अपने पक्ष में करना है तो भगवान बिरसा को हमें जो है आगे लाना होगा, सम्मान देना होगा, उनके माध्यम से हमें आदिवासी समाज तक पहुंचना होगा। नड्डा साहब के अलावा अगर हम रघुवर दास की बात करें तो आज बेहद तल्ख थे वो और उन्होंने अपने कार्यकाल के कई कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने 1932 का खतियान का जिक्र किया जो झारखंड के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पता है कि 1932 का खतियान इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने यहाँ के सेंटीमेंट को उभारा है और उसका फायदा उठाया और सत्ता पर काबिज है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये क्या बताता है कि रघुवर दास फिर उसी फॉर्म में आ गए हैं? देखिए, रघुवर दास अपने इसी बयान के लिए जाने जाते हैं। उनका हमेशा जो एक आरोप होता है वो सीधा होता है, वो घुमा के बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या जेएमएम का जो मैनिफेस्टो है, जो 1932 को खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाने की जो बात हुई थी, तो अब वो स्पष्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को सदन में रखा है कि यहाँ ये संभव नहीं है क्योंकि सर्वे सेटलमेंट जो है लास्ट वो 2005 तक भी है लातेहार का, तो ऐसे में राज्य के कई जिलों में अलग अलग जो सर्वे सेटलमेंट है तो सब जगह 1932 लागू नहीं हो सकता। हाँ, हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एक विचार होगा, एक विमर्श होगा, तब उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो राज्य में माहौल बिगड़े थे तो बीजेपी ने इस चीज़ को भी भुनाने की कोशिश किया जिस मंच के माध्यम से कि 1932 का खतियान जो है सिर्फ जेएमएम वोट लेने के लिए करती है, जब अब आप वो सत्ता में हैं तब फिर उन्होंने लागू क्यों नहीं किया, इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए रघुवर दास ने प्रयास किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोट तक ही सीमित है, ये लागू नहीं हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की कहे तो उनके जो अग्रेसिवनेस थे वह देखने लायक था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन लूट किसी परिवार ने की है तो सोरेन परिवार ने की है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि वो लोग ज़मीन के लुटेरे हैं। ये जो बाबूलाल हैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? चूँकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको मान्यता नहीं मिल रही है, उनकी विधायकी को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनकी विधायकी जा भी सकती है जिस तरह से न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है। आज जिस तरह से वो बोल्ड अंदाज में नजर आए और सीधे सीधे सोरेन परिवार पर अटैक किया, ये क्या बताता है? नहीं देखिए, बीजेपी के नेता या बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर हैं, पिछले लंबे समय से जब से वो बीजेपी में आए हैं उनका एग्रीमेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन आज जो मंच मिला है बीजेपी के नेताओं को वो सीधे तौर पर दिया गया था सीधा वार करने के लिए और किसी ने मौका नहीं गंवाया है, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो दीपक प्रकाश हो, सब ने सीधा हमला बोला है हेमंत सरकार पर, हेमंत सोरेन के परिवार पर, हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार पर। एक आखिरी सवाल, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, मगर उनका जो लहजा था, उनके जो बात करने की शैली थी वो जनजातीय समाज, चूंकि उनका मंत्रालय भी उस तरह का है तो जनजातीय समाज की बात कर रहे थे, झारखंड के आदिवासियत की बात कर रहे थे, उन्होंने सरकार पर सीधे सीधे हमला नहीं बोला है बल्कि ये बताने की कोशिश की है कि जनसंघ से लेकर अब तक बीजेपी ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया है, उनका मंत्रालय क्या कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि न सिर्फ राज्य के स्तर पर बल्कि केंद्र के स्तर पर भी बीजेपी
बीजेपी उनके साथ खड़ी है? बिल्कुल, देखिए अर्जुन मुंडा एक सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं और उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया आदिवासी समाज पर, ना कि वो सरकार या फिर परिवार या फिर और भी भ्रष्टाचार पर किसी पर वो डाइवर्ट नहीं हुए, सीधे तौर पर आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए, उनकी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए, आने वाले फ्यूचर में उनका क्या और रोड मैप है उस समाज के लिए, इन तमाम चीज़ों को रखने का काम किया। और आने वाला वक्त में देखना होगा कि इससे उनको फायदा होता है या फिर नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर जो डिस्कशन का एक लबोलवाब वो ये निकला है कि बीजेपी अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और उनके निशाने पर सबसे पहले उन 28 सीटों पर कब्जा करना है जो एसटी बहुल है, यानी आदिवासी बहुल है। साथ ही उन्होंने वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार को किसी भी रूप में छोड़ने की कोशिश नहीं की है, चाहे वो पूजा सिंघल का मामला हो, रूपा तिर्की का मामला हो, करप्शन का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, लीज का मामला हो, जमीन लूट का मामला हो, तमाम विषयों पर न सिर्फ जेपी नड्डा ने बल्कि राज्य के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्यक्रम से बीजेपी के सोए जो पार्टी कार्यकर्ता है वो कितना जागते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो खुद को किस हद तक तैयार कर पाते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज़।